हेलो एवरीवन वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास फाइव इंग्लिश दिस पेपर इज ऑफ पीरियडिक टेस्ट सेकंड फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट कॉम्पिटेंसी इज रीडिंग वेर एन अनसीन पैसेज इज गिवन विच यू हैव टू रीड एंड देन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया होगा उसको रीड करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना है सो पैसेज है बीज लिव इन अ हाउस दैट इज कॉल्ड अ हाइप बीज जिस घर में रहती है मधुमक्खियाँ उसको हाइव कहते हैं देर आर थ्री तीन तरीके की बीज होती है इफ शी इज लॉस्ट और डेड और अगर क्वीन बी की डेथ हो जाती है या फिर वो कहीं खो जाती है दी अदर बीज विल स्टॉप their वर्क तो दूसरी बीज भी अपना काम करना बंद कर देती है बीज आर वेरी वाइज एंड बिजी लिटिल क्रीचर्स बीज बहुत वाइज होती हैं बुद्धिमान होती हैं और बहुत बिजी रहती हैं दे ऑल ज्वाइन टूगैदर टू बिल्ड सेल्स ऑफ वैक्स फॉर देयर हनी वो सभी मिलकर वैक्स की सेल्स बनाती हैं हनी को स्टोर करने के लिए ईच बी टेक्स इट्स प्रॉपर प्लेस एंड डज इट्स ओन वर्क हर एक बीज का अपना एक प्रॉपर काम होता है प्रॉपर प्लेस होता है सम गो आउट कुछ बाहर जाती हैं गैदर हनी फ्रॉम द फ्लावर्स फ्लावर्स से हनी को गैदर करती है अदर स्टे ऐट होम कुछ घर पर रहती हैं एंड वर्क इनसाइड द हाइफ और हाइव के अंदर काम करती हैं इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू हैंडल बीज बच्चों के लिए बीज को हैंडल करना सेफ नहीं है बीज हैव अ पेनफुल स्टिंग उनका स्टिंग डंक बहुत पेनफुल होता है दैट दे यूज इन देयर डिफेंस जिसको वो अपने डिफेंस में यूज करती हैं पहला क्वेश्चन है बीज लिव इन अ ब्लैंक सर्कल द राइट वन बीज किस में रहती हैं सो so बीज हाइव में रहती हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज नेम द थ्री काइंड ऑफ बीज हु लिव इन अ हाइव हाइव में कौन सी तीन तरीके की बीज रहती हैं वर्कर ड्रोन्स एंड क्वीन एंड नेक्स्ट हाउ मेनी क्वीन बी लिव इन अ हाइव एक हाइव में कितनी क्वीन बीज होती हैं एक हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है सो वन नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस बीज आर वेरी वाइज एंड ब्लैंक लिटिल क्रीचर्स बीस बहुत ही वाइज और बिजी लिटिल हैं नेक्स्ट इज चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड क्वीन जेंडर चेंज करेंगे तो होगा किंग नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है प्रोस एंड पोइट्री इसमें आपकी बुक से क्वेश्चन आंसर्स होंगे फर्स्ट इज व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं वहां पर सब कुछ उल्टा होता है और बच्चे स्कूल रात में जाते हैं सो इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट नेक्स्ट इज वाई डेड द कैप्टन सेंट द मैन टू द लैंड कैप्टन ने मैन को लैंड पर क्यों भेजा था पानी लाने के लिए टू गेट सम वॉटर सो द कैप्टन सेंट द मैन टू द लैंड टू गेट सम वॉटर नेक्स्ट इज वाई डेड द मैन रश बैक टू द शिप सभी लोग दौड़ते हुए वापस शिप की तरफ क्यों आ रहे थे क्योंकि एक मॉन्स्टर एक जाइंट मैन उनका पीछा कर रहा था सो द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज अ मॉन्स्टर वॉज चेजिंग दम नेक्स्ट इज वाई वॉज सुल्तान इन हरी सुल्तान को इतनी जल्दी क्यों थी क्योंकि उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था लंच के लिए सो द सुल्तान वॉज इन हरी बिकॉज ही हैड इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर अ फीस्ट एट नून नेक्स्ट इज वाई आर द टू चिल्ड्रेन नो बडीज फ्रेंड दो बच्चे किसी के भी फ्रेंड क्यों नहीं होते क्योंकि वो अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद एनी बडी दैट इज वाई दे आर नो बड़ीज फ्रेंड या फिर द टू चिल्ड्रेन आर नो बड़ीज फ्रेंड बिकॉज ऑफ दिस नेक्स्ट इज हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव बार्बर के कितने ब्रदर्स थे सो द बार्बर हैड सिक्स ब्रदर्स नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल मदर हर एडवाइस इज हर टू क्लीन इट सो हर मदर एडवाइस इज हर टू क्लीन इट नेक्स्ट इज राइट ऑपोजिट बाई एडिंग अ प्रेफिक्स प्रिफिक्स जो वर्ड के आगे हम लगाते हैं इसमें आपको एक प्रिफिक्स एड करना है और ऑपोजिट बनाना है रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नेक्स्ट इज राइट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफिकल्ट डिफिकल्ट की कंपेरेटिव डिग्री होगी मोर डिफिकल्ट एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट डिफिकल्ट नेक्स्ट इज पंक्चुएट दिस सेंटेंस नेक्स्ट वेनेसडे माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए अगेन अगेनडे डे का नाम है सो उसमें डब्ल्यू कैपिटल होगा वेनेसडे माई सिस्टर कॉमा मीता सिस्टर का नाम है कैपिटल इज गोइंग टू जॉइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम है सो स्टेट बी कैपिटल ऑफ आई कैपिटल नेक्स्ट इज राइट एनी टू वर्ड्स दैट एंड विद लेस दो वर्ड्स लिखने हैं जिनके लास्ट में लेस आता हो सो केयरलेस थैंकलेस एंड फियरलेस हेल्पलेस होपलेस होमलेस नेक्स्ट इज राइट द ऑपोजिट ऑफ लैंड लैंड का ऑपोजिट होगा बोरो नेक्स्ट राइट वर्ड दैट राइम विद राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं ऑफ ट्रेन ब्रेन रेन नेक्स्ट इज आई शांट पिंच एनी वन एनी मोर शांट मीन्स फुल फॉर्म आपको लिखनी है फुल फॉर्म इज शैल नॉट नेक्स्ट इज फिल अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक थ्री आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द

नंबर वन टॉपसी टर्वी लैंड में लोग जो है उनके हेड्स के बल सर के बल चलते हैं सो नंबर वन इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स जबकि हमारी लैंड में पीपल वॉक ऑन देयर फीट फीट टॉपसी टर्वी लैंड में जो बसेस हैं वो सी पर रन करती हैं नंबर टू बसेस रन ऑन द सी और हमारे यहाँ पर वो रोड पर चलती हैं सो इन आर लैंड द बर्सेस रन ऑन लैंड नेक्स्ट टॉप सीट अर् लैंड में लोग जो हैड्स हैं उनको अपने पैरों पर पहनते हैं सो पीपल वेअर देयर हैड्स ऑन देयर फीट और हमारे लैंड में लोग हेड के ऊपर सर के ऊपर हैड्स uh, को वेयर करते हैं सो so, In our land people wear hats on their head. यहाँ पर जो boats हैं टॉप सीट और भी लैंड में वो सेल करती है स्ट्रीट्स के ऊपर सो बोट्स सेल इन द स्ट्रीट और हमारी लैंड में वो सी में या फिर वॉटर बॉडीज में सेल करती हैं सो बोट्स सेल इन द सी एक और बड़े बड़ा ही फनी डिफरेंस है कि टॉप सीट और लैंड में जो जिस चीज के लिए आप पे करते हो वो आपको कभी नहीं मिलती सो पीपल पे फॉर वॉट दे डोंट गेट और हमारे यहां पर जिस चीज के लिए आप पे करोगे वही आपको मिलेगी सो पीपल पे फॉर वॉट दे गेट नेक्स्ट इज राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर टू डेज लीव दो दिन की लीव के लिए आपको स्कूल प्रिंसिपल को लेटर एप्लीकेशन लिखनी है सबसे पहले द प्रिंसिपल स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय एक्स वाई जेड कहाँ पर वो सिचुएटेड है एंड पिन कोड देन डेट जब आप लिख रहे हैं सिक्सटींथ ऑफ नवंबर 2022 ट्वेंटी टू सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन देन सर और मैडम आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ ए ऑफ़ योर स्कूल अभी सिक लीव तो आप लिख चुके हैं कुछ और भी रीज़न लिख सकते हैं आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम फॉर टू डेज दो दिन के लिए टू डेज़ मुझे कोई ज़रूरी काम है घर पर सो आई विल नॉट बी एबल टू

देन योर्स ओबीडियंटली नीचे लिखेंगे आपका नाम एंड क्लास ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है स्पेलिंग अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड जम्बल्ड है मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है ए एस ओ एन आई एस टी एच ई एन एम टी ये एस्टॉनिशमेंट निशमेंट नेक्स्ट इज डी एस ई एस टी आर ई दिस इज डेजर्ट डिजर्ट नेक्स्ट इज आई ए जी टी एन अगेंस्ट जायट ये गुलीवर्ड ट्रेवल से है तीनों ही वर्ड्स जायंट नहीं डेजर्ट उससे है टॉकेटि बारबर से नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग बैरन प्लेजर ब्रूज नेक्स्ट फिल सुटेबल लेटर टू सॉरी इन द ब्लैंक्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड दिस इज ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ग्राफी नेक्स्ट ब्लैंक एन एच ब्लैंक बी टी एन टी इनहैबिटेंट नेक्स्ट सी एच ब्लैंक टी टी ब्लैंक आर ई आर चार्टर एल ब्लैंक एन जी ब्लैंक ब्लैंक जी ब्लैंक लैंग्वेज ओके और ब्लैंकेंसी हैंड राइटिंग जो लिखा है वही आपको एज इट इज नीचे लिखना है एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री ओके इसको कॉपी करेंगे आप पूरे पैराग्राफ को ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था क्लास फाइव इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग